लिए एक ऐसी सौगात है जो जैनत्व की यशोगाथा को युग युगांतर तक गाएगी। निश्चित बंधो, पूज गुरुदेव ने एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो सकलीभूत हो रही है इस गुणायतन जो सम्मेलित शिखर की तलहटी पर, आने वाले भविष्य में इसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो देख रहे हैं, और साथ ही जो आज हजारों की संख्या में आज इस शाश्वत तीर्थराज में आप लोग पधारे हैं, सभी गुरु भक्तों से तीर्थयात्रियों से कहूंगा कि आप जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए, क्योंकि आने वाला समय गुणायतन एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसके माध्यम से दिगंबरत्व जैनत्व की पहचान होगी। तो आप सबसे कहूंगा कि आने वाले समय में आप गर्व के साथ कहें कि किसका गुणायतन, मैं आपसे कहूंगा किसका गुणायतन, आप सबको एक साथ एक आवाज में बोलना है हमारा गुणायतन, किसका गुणायतन, अभी आवाज में दम नहीं, एक बार जोरदार बोले किसका गुणायतन। तो बंधु निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा गुणायतन तन मन धन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए, गुणायतन से जुड़े ही निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होजिए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाकर साथी से पुण्य कार्यन कीजिए। साथ ही बंधु, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन शांति धारा आप सब देखते हैं, उसका भी आप ले सकते हैं लाभ जनवाणी चैनल पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में आप संपर्क कीजिए। अपने वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस के अवसर पर आप अपने परिवार का नाम प्रेषित कर सकते हैं और शानधारा के माध्यम से विशेष आप लाभ ले सकते हैं। तो बंधुओं, आपसे पुनः निवेदन, गुणायतन से अवश्य जुड़िए, खाली हाथ मत जाइए, चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करिए। आइए संघ का समाधान के विशेष सत्र के संचालन और आगे के इस संघ का समाधान के संचालन के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइएगा बंधु, हम सीधे सीधे संघ का समाधान के सत्र से आपको जोड़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं उन उदार मना दानदाताओं के सम्मान के लिए जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का पुण्यार्जन किया हुआ है, गुणायतन परिवार के जो साथी और सदस्य बने हुए हैं, और बहुत सम्मान से मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन परिवार के संस्थापक सदस्य अर्थात ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए हैं, आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, श्री वीर सेन जी जैन, गुणमाला जी जैन, विकास जी जैन, शालिनी राहुल जैन, नितिका आर्जा जैन, अक्षय काव्य टिशिया जैन, दिल्ली से चावल वाले परिवार सपरिवार, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम संपूर्ण परिवार को यहां पर आमंत्रित करते हैं। साथ में आ जाए, हाँ हाँ, चारों भाई आपके लिए बतला दें बंधुओं, ये पांच भाई हैं, पांच में से चार भाई दृष्टि आपके सम्मान के लिए पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र जी गरौड़ से हमारे बीच हैं शिरोमणि संरक्षक, और शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर से हमारे बीच हैं गुणायतन के दृष्टि, पधारे और आपका सम्मान करें। बंधुओं, ये पांच भाई हैं, पांच में से चार भाई गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी हैं और पांच में भी मन बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन वे भी जरूर 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 इस गुणायतन परिवार के साथी बनेंगे संस्थापक सदस्य के रूप में। हाँ, और एक शिरोमणि सबसे बड़े भाई गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है, जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान करेंगे। हाँ, एक ये खाली क्यों रह जाए बंधु, लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। हाँ, आइएगा, इसके साथ ही हम जो आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनको यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप कुमार मणिलाल जैन, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं श्री प्रदीप कुमार मणिलाल जी जैन, मुंबई महाराष्ट्र से पधारिएगा, नहीं है, और निर्माण निधि से ही सूत्रधार के रूप में श्री नागरमल जैन, श्री विशाल जैन, स्वाति जैन, समर जैन, कशिश जैन, गुड़गांव हरियाणा से हमारे बीच हैं, जो लोग उपस्थित नहीं है उनका आप करतल ध्वनि से सम्मान करते हुए चले आए, श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती चंदा जैन, अभिषेक निधि अभिलाषा जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, भोपाल से ही विनोद कुमार जैन एंड माया जैन, अमित आशीष एंड अनुज जैन, संपूर्ण परिवार सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, सिंगई कोमल चंद जी जैन, विनीत आलोक संजय कुमार जैन, श्री प्रकाश चंद राजकुमार सिंगई, भदराना वाले परिवार वंडा सागर से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, हाँ सिंगी कोमलचंद जी जैन अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें पूज्य श्री के श्री चरणों में, सिंगी
आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं संजय जी गोधा धनबाद से हमारे बीच है और साथ में विजय जी गोधा धनबाद कृपया पधारें और सूत्रधार से जुड़ने वाले संगी कोमल चंद जी विनीत जी आलोक संजय कुमार जैन प्रकाश चंद राजकुमार संगी बंडा वालों का सम्मान कर पधारेगा संपूर्ण परिवार परिवार और आप करतल धोनी से बंधु सबका सम्मान करते हैं अनुमोदना का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है आ जाए आगे आ जाए आपके बाद आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश कुमार बीना जैन रूपम सृष्टि जैन अर्ची जैन शामगढ़ श्री मुकेश कुमार जैन वीना जैन रूपम सृष्टि जैन अर्ची जैन शामगढ़ अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें एक साथ खड़े हो जाए पूरा परिवार ये लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे चलेगा हाँ कोई बात नहीं है श्री मुकेश कुमार बीना जैन रूपम सृष्टि जैन अर्ची जैन शामगढ़ वालों का सम्मान हमारे सम्माननीय गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री राजेंद्र जी गरौट हाँ कोई बात नहीं वो नहीं आए तो आप उनकी तरफ से ग्रहण कर लेंगे कोई बात नहीं है और आपका सम्मान के लिए हम सुभाष जी गुणायतन सीईओ और सुनील जी देहरादून सीएफओ पधारे और उनका सम्मान करेंगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पारस आशा पापड़ीवाल श्री साकेत कामनी पापड़ीवाल हाँ कोई श्री पारस आशा पापड़ीवाल श्री साकेत कामनी पापड़ीवाल हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया पधारे आइएगा और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल कृपया पधारें और हमारे सूत्रधार से जुड़ने वाले सदस्य का सम्मान करें आमंत्रित कर रहा हूं श्री धन्ना लाल जी जैन श्रीमती सुशीला जैन अमित वैशाली अतुल प्रीति अनुराग आकांक्षा सपन नेहा जैन इंदौर से हैं और गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पहुंचे श्री धन्ना लाल जैन श्रीमती सुशीला जैन अमित वैशाली अतुल प्रीति अनुराग आकांक्षा सपन नेहा जैन इंदौर आइएगा पधारिएगा आपके सिद्धार्थ भैया को हाँ हाँ ले लो साथ में लो सिद्धार्थ भैया पहुंचे साथ में सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं नीरज जी जैन दीपक जी जैन दिल्ली से सिद्धार्थ जी हाँ ले कर लेंगे वो भी कर लेंगे कोई बात नहीं आप पहुंचे नीरज जी जैन दीपक जी जैन पधारे और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने वालों का सम्मान करें मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अंगूरी बाई जैन सुलेखा पवन ममता मुकेश दीपांशु दिव्यांशु हिमांशु पर्णिका प्रियांशी जैन सागर से अगर उपस्थित हो तो कृपया पहुंचे श्रीमती अंगूरी बाई जैन सुलेखा पवन ममता मुकेश दीपांशु दिव्यांशु हिमांशु पर्णिका प्रियांशी जैन सागर से जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं आइएगा पधारिएगा शीघ्रता से और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी और सुनील जी पधारे हैं दोनों हमारे सीईओ और सीएफओ यहां पर आ जाएं सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो निर्माण निधि से निर्माण सारथी बने डॉक्टर जेके जैन श्रीमती प्रतिभा जैन जयपुर राजस्थान से और श्री हितेश भाई जैस्मिना बेन वायरल कल्पित दोषी राजकोट गुजरात से दोनों के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने वाले श्रीमती कोकिला अरुण सेठी हर्ष ममता जैन अजमेर राजस्थान से अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें कोकिला अरुण सेठी हर्ष ममता जैन हेमंत गोदिका रानी ऋषभ नेहा जैन गोदिका जयपुर से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रही हैं श्रीमती कुसुमलता जैन राजेंद्र जैन वांझल परिवार धार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती अंजना जैन सपरिवार निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रही है गाजियाबाद से श्री अश्विनी जैन श्रीमती अर्चना जैन एकांश परीसा अंकित अरुषी जैन जयपुर से जुड़ रही है निर्माण मित्र के रूप में अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच तक पहुंचे निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती तारा देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय भातचंद जी साहेबपुर साहेब जयपुर से निर्माण निधि वाले जो भी सदस्य यहां पर हो तो अपने जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद अवश्य लेते जाएं श्रीमती संगीता सुनील काला कोपरगांव गुना से श्रीमती उषा जैन सपरिवार श्री सुरेंद्र कुमार जैन नरेंद्र वीरेंद्र कुमार जैन बरगद वाले वरहार श्रीमती साधना जैन धर्मपत्नी श्री विनोद जैन पलक प्रियल जैन अशोकनगर से श्रीमती निशा जैन श्री विजेंद्र कुमार जैन दिल्ली से श्री अनिल गांधी पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती कमला देवी सुरेंद्र कासलीवाल नागौर श्री प्रकाश जैन श्रीमती प्रवीणा जैन जयपुर डॉक्टर आनंद दोषी डॉक्टर अशोक जीवराज दोषी बारामती श्रीमती बिमला देवी गंगवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय विमलचंद गंगवाल अभय गंगवाल उज्जैन जिनके भी नाम बोल रहे हैं निर्माण निधि वाले 11,000 वाले जो हैं वे अपने जगह पर खड़े होकर के
महाराज श्री का मंगल आशीष वहीं से ग्रहण करते जाएं। श्री मोहित कुमार जैन, श्री नरेंद्र कुमार, प्रियांक कुमार जैन ललितपुर, श्रीमती सविता एन हतगी ने, श्री नयन कुमार एस हतगी ने बेलगाम कर्नाटका, श्री मानव जैन, सुषमा जैन झालावाड़, पारस चंद जैन, मांगीलाल जैन झालावाड़, ज्योति जैन, श्री संपत कुमार जैन इम्फाल, प्रतिभा गर्ग, रेणुगर कैथल, श्रीमती रेनी रीना प्रतीक जैन नब्या, नब्धा जैन रतलाम, श्रीमती सुनीता, रविंद्र जैन साक्षी जैन एंड पीयूष जैन फिरोजाबाद, श्रीमती विनोद जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय उदयचंद जैन, श्री रूपेश जैन इंदौर, परनका तलवार, रोहित तलवार, स्तभ्या तलवार न्यू दिल्ली, श्रीमती प्रेमलता जी छाबड़ा, सुभाष चंद छाबड़ा जयपुर, और श्री ऋषभ कुमार, अजित कुमार जी जैन, संभव कुमार जैन ग्राम पहाड़ी निवार जिला कटनी मध्य प्रदेश, निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं अरहम जैन, प्रमोद कुमार जी जैन बंडा सागर, राजकुमारी जैन भोपाल, और श्री नरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी नवापारा राजम छत्तीसगढ़ से। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली से श्री नीरज जी और दीपक जी हैं, उनके बच्चे हैं मिति जैन, मिली जैन और नीरज जैन, हाँ मिली जैन और हार्दिक जैन। इन दोनों बच्चों ने, हालांकि ये तो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, लेकिन इन दोनों छोटे छोटे बेटे भी आज गुणायतन से निर्माण, हाँ गुल्लक के पैसे से 31,000 रुपए उन्होंने देकर के गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और साथ में चारवी जैन जयपुर से हैं, उन्होंने भी 1100 रुपए गुणायतन के लिए समर्थ यहीं रहे आपके सम्मान के लिए। हाँ दोनों बच्चों का सम्मान करें, निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं है, हाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी आ जाए, चंद्रकला जी आ जाए सम्मान करने के लिए। चारवी जैन जयपुर से हैं जिन्होंने अपने गुल्लक के 1100 रुपए आज गुणायतन के लिए दिए हुए हैं। बंधुओं पहले यहां पर दे रहे, हम सभी को मालूम है आने वाले कार्तिक मास के आष्टांगिक महापर्व पर सम्मेश शिखर की पावन सिद्ध भूमि इस सिद्ध धरातल पर सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन होने के लिए जा रहा है, और मंडलों के पुण्यार्जक लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। एकाध दो मंडल शेष हैं, आज जो नए पुण्यार्जकों के नाम यहां पर आए हुए हैं हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। श्री कैलाश चंद जी, चंद्र प्रकाश जी, नितिन कुमार जी, आरजाव परम जैन लोहेदरा वाले दामान, श्री संजय डॉली सेठी इंदौर से, और श्री राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, सर्वार्थ कुमार जैन, श्रीमती सुमन, श्रीमती नैन्सी, सुश्री दिवी जैन सपरिवार गुना से। श्रीमती मंजू जैन, आयुषी जैन, आयुष जैन गुना से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं सूत गुणायतन के लिए। स्वर्णदान जिन्होंने समर्पित किया है गुणायतन के लिए, श्री राजन कुमार, कुसुम देवी जैन बामोरिया दमोई मध्य प्रदेश से, सोने की एक अंगूठी, देवी हुमड़ा हावड़ा, बाईपाप स्वर्गीय जयदेव जी छाबड़ा, सॉरी देवी छाबड़ा, बाईपाप स्वर्गीय जयदेव जी छाबड़ा झुमड़ी तलैया हजारीबाग से, कान की वाली एक, इंद्राणी जैन, प्रमिला जी जैन इन्होंने एक सोने की चैन और एक सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित किए। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम सभी का सम्मान करें। और साथ ही शकुंतला देवी जी, ये तो हो गया शकुंतला देवी छाबड़ा, कैलाश चंद जी छाबड़ा, उन्होंने सोने की एक चैन दिया। आइए बंधु, देश और दुनिया के सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में दोनों हाथों को जोड़िएगा। जो देश के कोने कोने में बैठे पारस चैनल जिनवाणी और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में है। हम त्रिवार नमोस्तु करें, आपको भी मंगल आशीष मिले और उन सभी के लिए भी। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर, दृष्टि गुणायतन, और आपके बाद में तैयार रहेंगे आशीष झांझरी सनावद। परम श्रद्धेय मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, ओम ओम, थोड़ा सा शांत हो जाए। हाँ, परम श्रद्धेय मुनि श्री अरे सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है, मुनिराजों के पड़घान करते समय हम तीन बार अत्र 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 तिष्टो तिष्टो बोलते हैं, ऐसा हम तीन बार ही क्यों बोलते हैं?
ऐसा तीन बार इसलिए बोलते हैं कि हम आपको मन से, वचन से, काय से आवेदन कर रहे हैं, उथले मन से नहीं कर रहे, पूरे प्राणों से कर रहे। ऐसा तो नहीं कि कहीं तीन गुप्ती की आप धारी हैं इसलिए नहीं, बोल रहे हैं। हम मन वचन काय से आपको बुला रहे हैं, तीन गुप्ती भी लगा दे पर आज प्रवृत्ति में रहने वाले मुनि को भी आप बुलाते हैं। चलिए आशीष जी झांझरी शनावर आपके बाद में तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जबलपुर। बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे साथ मेरे सब परिवार का नमोस्तु। वो सनावत और पूरे निमाड़ से पधारे 1251 यात्रियों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर बोलो बोलो बोलो। अच्छा 1200 यात्री तो थोड़ा जोर से बजाओ। पूरे 1251 यात्री है और उनकी तरफ से मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार कलकल ध्वनि से आचार्य वर्धमान सागर जी की नगरी से आचार्य वर्धमान विद्यासागर जी के परम शिष्य चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलो। गुरुवर मेरा एक प्रश्न है कि हम सभी के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्तुति करते समय हम ये कहते हैं कि मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनागर पर पाजा हूँ, यही अरुण भावना भाता हूँ। गुरुदेव भावना तो मेरी पूर्ण है पर पूर्णता की ओर नहीं जाती, भावना मेरी पूर्ण है पर पूर्णता की ओर नहीं जाती। मैं हर कार्य करता हूँ पर अधूरी रह जाती, पूर्ण अधूरी रह जाती है। हाँ। भावना मेरी संपूर्ण है पर वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। मेरी इस शंका का समाधान करे गुरु। जब तक भावना पूरी ना हो तब तक भावना भाते रहो, अधूरी भावना से पूरा लाभ कैसे होगा। यदि पूरा लाभ चाहिए तो भावना भी पूरी भाई भाते रहे। नमस्ते गुरु। शैलेश आदिनाथ जबलपुर यात्रा संयोजक और पुरवार सामाजिक मंच। आगे तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन संगम कॉलोनी जगत जबलपुर। दयमुनि राजों के चरणों में शश्वत नमन। गुरुदेव आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से विगत 12 वर्षों से जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के माध्यम से सम्मेलन शिखर जी की यात्रा हम लेकर लगातार आ रहे हैं। यह पहला अवसर है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरवार सामाजिक मंत्र ने यह एक तरह से हिम्मत जुटाई है कि हम यह भी यात्रा लेकर जाना रहे। और मैं क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हूं तो साथ में संयोजक के रूप में साथ में आया हूं। आज से विगत 2 माह पहले जब हमने परिकल्पना की थी यात्रा ले जाने की, उस समय कुछ कोविड का भी माहौल था, कुछ परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी। हमारे अध्यक्ष भाई प्रकाश जी का ये दृढ़ संकल्प था कि नहीं हमें तो यात्रा लेकर जाना है। हमने परोक्ष रूप से वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला हमारे सारे विघ्न धीरे धीरे दूर होते गए और आज हम 1251 यात्रियों के यहाँ बड़ी सहजता और सरलता के साथ यहाँ यात्रा लेकर आए हैं। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि इतने यात्रियों को एक साथ यात्रा कराना निश्चित यह पुण्य का तो संयोग होता ही है, पर इस व्यवस्था में हमें बहुत सी अनुकूलता प्रतिकूलताएं भी होती हैं। बहुत से लोग नाराज होते हैं, बहुत से लोगों की व्यवस्थाओं में हम उनको उस हिसाब से उनका नाम नहीं दे पाते हैं, उनको वजन नहीं दे पाते हैं। तो गुरुदेव इसमें हमारी जो भी भूल होती है उसका हमें क्या प्रायश्चित होता है। साथ ही गुरुदेव गुणायसन से जिस प्रकार से मैं विगत 2006 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पुरवार समाज आज पहली बार शिखर जी आइए, मैं चाहता हूँ कि सारी पुरवार समाज भी इस गुणायसन में किस माध्यम से जुड़े, आपका आशीर्वाद हमें प्रदान हो। देखिए ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। पहले तो मैं इस बात के लिए सभी को आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरवार समाज के इस मंच ने ये उपक्रम किया है। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे जबलपुर में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ने शुरुआत की वो आज तक जारी है, आज आपने यात्रा की, इस यात्रा को आपकी आगामी यात्रा के मंगलाचरण के रूप में देखा जाए। इस तरह का प्रयास करना चाहिए। सामूहिक यात्राओं का एक अलग आनंद होता है। अन्य यात्राओं में जब आप आते हो तो यहाँ आने के बाद आपकी वंदना चालू होती है, पर जब किसी ट्रेन से आप यात्रा करते हो, स्पेशल ट्रेन से यात्रा करते हो, तो ट्रेन में बैठते ही आपकी यात्रा चालू हो जाती है, क्योंकि वहाँ हर कोई यात्री होता है। भजन पूजन वंदन आनंद लिया कि नहीं लिया,
आने में भी और जाने में भी, ये सामूहिकता का आनंद है और ये परिपाटी होनी चाहिए हमारे शास्त्रों में। तीर्थ यात्रा को एक महान पुण्य का कारण बताया और अपने द्रव्य को 7 स्थानों में लगाने का विधान किया, उसमें एक तीर्थ यात्रा है। जिन बिंब हाँ याद दिला रही, आ जाओ और अभी बताऊंगा उसकी भी चर्चा। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। अपना धन कहाँ लगाओ? जिन बिंब की स्थापना में, जिनेन्द्र भगवान की यात्रा में, तीर्थ यात्रा में और प्रतिष्ठा में, चतुर्विध संघ को दान देने में, पूजा की प्रभावना में और शास्त्र के प्रकाशन में, तो उसमें तीर्थ यात्रा भी एक बड़ा कारण है। आप लोगों ने ये उपक्रम किया, बहुत अच्छा है। बस इसमें व्यवस्थाओं में थोड़ी ऊंच नीच होती है। इसके संदर्भ में मैं सारे यात्रियों को कहूँगा, एक बात दिमाग में रख लो, हम तीर्थ यात्री हैं, बराती नहीं। इतनी बात बैठा दोगे तो कुछ बात आएगी नहीं। हम घर का सुख भोग त्याग कर यहाँ आए हैं, सुख भोग भोगने के लिए नहीं आए। थोड़ी ऊंची नीची हो तो चुपचाप सह लेंगे, कहेंगे नहीं। क्यों किसी से कहना? फिर जो तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं वे तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम्हारे साधर्मी हैं और तुम्हारे धर्म ध्यान के लिए योगदान दे रहे हैं। और पता है तुम लोग तो कल वंदना कर लोगे, पर जिनके हाथ में व्यवस्था की कमान है वे वंदना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें उन्हें कोसने की जगह उनकी अभिवंदना करना चाहिए, उन्हें आभार देना चाहिए। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऊंचा नीचा ऐसा होता रहता है। दृष्टिकोण सकारात्मक रखो, मन में रंच मात्र मलिनता ना आने दो, जिससे तुम्हारी यात्रा का आनंद कम हो और पुण्य छीन हो। रहा सवाल पोरवाल समाज गुणायतन से किस तरीके से जुड़े, अरे भाई मैं तो सर्व समाज को जुड़ने की बात करता हूँ और सारी समाज जुड़ी भी है, इसमें कोई संशय नहीं। और पोरवाल समाज को सुनकर इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पोरवाल समाज की एक सदस्य तो गुणायतन में ही आकर के बसी भी है। डॉक्टर आशा जी आपकी पोरवाल समाज से ही निकल कर आई और अपना पूरा जीवन यहाँ अर्पित कर दिए, गुणायतन की परम संरक्षक हैं। और आपके शैलेश भाई तो हमेशा से जुड़े, ऐसे अनेक लोग जुड़े हैं, पर मैं एक ही बात कहता हूँ, ये गुणायतन आप सबका, किसी समाज का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी परंपरा का नहीं, ये जिन शासन का है, जैन धर्म का है और सारे जगत के गुणात्मक परिवर्तन करने वाला है। इसके लिए आप सब अपने तन मन धन से जो करना चाहे कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो इतना कहता हूँ, आप शिखर जी की वंदना करने आए हो, एक बार गुणायतन को भी देख लेना, फिर तुम्हारे जी में जो आए सो लगा देना। मंदिर भी देखना और सामने की थीम पार्क भी देखना, लेकिन थीम पार्क में एक साथ धावा मत बोलना, वहां निर्माण कार्य चल रहा है, सावधानी से सुरक्षा से। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं गुणायतन में क्या बन रहा है, आप जाइए एक जब भी जो शिखर जी आते हैं एक बार थीम पार्क जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार गुणायतन क्या है। वहां और उसके बीच बीच में झलक भी आप सबको दिखाई जाती है समयानुसार, यहाँ अगर व्यवस्था बनी तो दिखाई जाएगी। वहां जो चीज बनने जा रही है वो विश्व की अद्भुत कृति है, वो ऐसी चीज जो हर व्यक्ति के जीवन को बदलेगी, वो ऐसी चीज जो तुम्हारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगी, वो एक ऐसी चीज तो जो तुम्हारे भवोद्धार का निमित्त बनेगी।
ऐसे निमित्त का लाभ उठाना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। कल एक भाई मुझसे कह रहा था, महाराज जी लोग कहते गुनायतन में मंदिर के अलावा क्या बन रहा है। बोला भैया गुनायतन में जो बन रहा है उसका पहले से पता नहीं लगता, गुनायतन में समोसरण बन रहा है और अंतर मुहूर्त पहले समोसरण का कोई अता पता नहीं होता और आते ही समोसरण दिख जाता है। यहां भी वैसा ही समोसरण बनेगा, जहां भगवान के समोसरण का आनंद लेंगे वहां प्रवेश करोगे, उनका दर्शन करोगे, और जहां आकर आप आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा का अनुभव करेंगे वो अद्भुत क्षण होगा जरूर। आज तो आप लोग आए ही हैं, वंदना भी कर लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अभी तो आप शिखर जी की वंदना के लिए आ रहे हो, आने वाले समय में गुनायतन की वंदना भी आपका एक लक्ष्य होगा और तभी आप इस शिखर जी की यात्रा को पूरी कर सकोगे। हाँ, शैलेंद्र जैन संगम कॉलोनी जबलपुर, आगे तैयार रहेंगे कोमल चंजी भडराना वाले बंडा। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये मेरा प्रश्न मेरे छोटे भाई का है परेश का। महाराज श्री, देखा जाता है जब कोई उद्योगपति व्यापारी अच्छे पीक पर होता है तब किसी चीज का ध्यान नहीं रखता, अपनी मस्ती में व्यापार करता रहता है, लेकिन जब उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो वो भगवान की शरण में चला जाता है, कुंडली दिखाने लगता है, और जब वो कुंडली दिखाता है तो ये बताया जाता है कि तुम्हारा यह ग्रह दोष है, यह है। तो क्या महाराज जी ये ग्रह दोष होते हैं या ये एक प्रक्रिया है उत्थान और पतन की, मेरे शंका का समाधान करें। तुम्हारे सवाल को मैं दो भागों में बांटता हूँ। पहले तो ये कि जब तक ऊंच नीच नहीं होती तो धर्म की शरण में क्यों नहीं जाता, तो मैं उसका उत्तर यही देता हूँ, गाड़ियाँ जब दचके खा जाती है तभी वर्कशॉप में जाती है, जब तक ठीक रहती सर्विसिंग क्या है? समय के थपेड़े जो झेलते हैं उन्हें समझ में आता है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। भैया एक साथ चार चार खड़े हो, थोड़ा और गैप करो, हाँ सबको व्यवधान होता है, थोड़ा गैप करके खड़े हो। तो वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दचके खाने के बाद वर्कशॉप में आ जाए फिर गाड़ी वापस ओवरहॉलिंग होकर के ठीक हो सकती है, सड़क पर चलने लायक है, लेकिन मुश्किल तो उनके साथ है जो खटारा बनने के बाद भी वर्कशॉप में आना नहीं चाहते। अपनी सर्विसिंग करानी जरूरी है, समझ गए ना, चाहे वो फोर्ड कार भी क्यों ना हो या कोई भी कार क्यों ना हो, है ना, आपको सर्विसिंग करानी होगी, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। और जो दूसरा पक्ष है कि बाद में लोग ग्रह दोष बताने लगते हैं, तो क्या महाराज ग्रह दोष कुछ होते भी हैं या नहीं, यही पूछना चाह रहे ना। पहले तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या हुआ? देखो बात यही है कि जब बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब बीमारी का इलाज कराने के लिए कुछ लोग तो ठीक डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नीम हकीमी कराते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी की जड़ पकड़ करके उसकी सही चिकित्सा करता है, उसे निरोग कर देता है, और नीम हकीमों के पास जाते हैं तो उल्टे फुलटे नुस्खे देकर बीमारी को बढ़ाते ही रहता है, समझ गए। ये जितने भी ठटकर्म है ना, ये नुस्खे हैं, इससे बीमारी का हल नहीं होने वाला, बीमारी बढ़ने वाली है। अपने बीमारी का सही इलाज करना है तो वीतराग प्रभु की शरण में आ जाओ, वे ऐसे चिकित्सक हैं कि तुम्हारी बीमारी जड़ मूल से साफ हो जाए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए, थोथे कर्म कांडों पर नहीं। जीवन की समस्याओं का समाधान वहां है, कोरे कर्म कांडों में नहीं। तत्व ज्ञान से भरा हुआ जैन धर्म आज बड़ी विडंबना दिखती है कि कर्म कांडों में उलझ गया है। व्यक्ति की समस्याओं का जो वास्तविक निदान है वो उसे नहीं मिल पा रहा है और उसे थोथे कर्म कांडों में उलझाया जा रहा है। भय और लोभ से उसका धर्म से जुड़ाव किया जा रहा है, नतीजा वो अंदर से टूटा हुआ रहता है, वो बीमार ही होता है, कुछ नहीं कर पाता। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, एक मिनट में बात पूरी करता हूँ।
वो कभी अरबपति हुआ करते थे, ओवर एस्टिमेट काम किए, नीचे आ गए, सब कुछ समाप्त हो गया, बहुतों के पास गए, कुछ केस भी उनके ऊपर आ गए, जब अंधेरा आता है तो दसों दिशाओं से आता है, सीबीआई के चक्कर में भी फंस गए, सब कुछ समाप्त हो गया, एनपीए हुआ और सब कुछ, अरबों का स्वामी सड़क पर आ गया। वो एक दिन मेरे पास आया, 4 वर्षों के अंतराल के बाद, उसकी पूरी जानकारी तो मुझे थी ही, जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जब मुझसे कहा, हमने कहा भाई तुम्हारी समस्या का निपटारा कराने की क्षमता मेरे पास नहीं है, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं, तुम्हारी समस्याओं के निदान का इलाज मेरे पास नहीं है, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। बोले महाराज आप वही बताओ, सब जगह हार कराया मैंने, खूब मंत्र तंत्र ज्योतिष और विधान पूजन सब कर लिया, लेकिन रहा नहीं। हमने कहा फंडामेंटली खराब था, ओवर एस्टिमेट करोगे तो काम क्या होगा, हमने तो बचपन से मारवाड़ी में कहावत सुनी है, ओछी पूंजी धनी न खाए, 2 रुपया की पूंजी और 2 करोड़ का धंधा करोगे तो क्या होगा, जीवन में कभी मत करना। मैंने उन्हें मोटिवेट किया और यही कहा, जो खो गया उसे भूल जाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे ही तुम्हारे मूल असेट्स हैं, और दोनों बच्चे पढ़े लिखे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हमारे तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम ये सोचो कि अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी। बोले जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब मेरे जेब में 500 थे। हम बोले आज तो उससे अच्छे हो। बोले जितने दिन का था वो खेल खत्म हो गया, ये सोचो मुझे नाटक का एक रोल मिला था, इतने ही दिन के लिए मिला था, वो पूरा हो गया, अब हमें नया रोल अदा करना है। जो खो गया उसे भूल जाओ, जो रह गया उसे बचा लो। मैंने उन्हें आध्यात्मिक तरीके से मोटिवेट किया, देखते ही देखते चेहरा खिल गया, और आज भी वो शख्स मेरे पास आते हैं, ये कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे। उनका पिछले 5 वर्षों में, बल्कि 2014 की बात है, 7 सालों में वापस गाड़ी फिर से चढ़ाव पर आ गई और आज समुन्नत स्थिति में आ गए हैं। तो मनुष्य को सही चिकित्सक के पास जाकर इलाज कराना चाहिए, नीम हकीमी से बचना चाहिए। कोमल चंदी जैन बंडा, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, माता पिता क्या पुत्र पुत्री भाई बहन किस निमित्त से होते हैं? माइक पास में करें तो। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो। हाँ। हे भगवान, माता पिता क्या पुत्र पुत्री भाई बहन किस निमित्त से होते हैं और पूर्व जन्म का क्या संबंध होता है? देखिए, माता पिता के यहाँ पुत्र पुत्री भाई बहन किस निमित्त से होते हैं, पूर्व जन्म का क्या संबंध होता है, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एक संयोग, ये मत सोचना कि हम जितने एक परिवार में हैं उनका पूर्व जन्मों का संबंध ही रहा। बहुतों के साथ ऐसे संबंध होते हैं जिनका पूर्व जन्म से कोई नाता नहीं होता, और कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जिनका पूर्व जन्म का नाता होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, इस विषय में दिमाग लगाने की जगह कि मेरा पूर्व जन्म से क्या संबंध था, भूल जाओ। इस समय केवल एक बात सोचो कि इस जीवन में मेरा क्या संबंध है और मेरा क्या कर्तव्य है। यदि इतना याद रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे अंजना महेंद्र जैन तुम सर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरे एवं समस्त प्रमाण सागर सेवा संघ की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा धर्म का नहीं। फिर भी आज का व्यक्ति धर्म तो कर लेता है लेकिन अपने कर्मों की नहीं सोचता, ऐसा क्यों गुरुदेव? धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का होगा धर्म का नहीं। बिल्कुल ठीक है, और जो धर्म करेगा उसका कर्म अच्छा होगा। एक बात बताऊं, हमने धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं। धर्म क्या है? सत कर्म करना ही धर्म है, या कुकर्म से बचना ही धर्म है? यदि तुमने ठीक अर्थों में धर्म किया है तो पूरे जीवन कुकर्मों से बचे रहोगे, और कुकर्म से बचोगे तो धर्म अवश्य करोगे। अंजना महेंद्र जैन तुम सर, और इसके बाद ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। नहीं तो मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, त्रिवार नमोस्तु। मेरे परिवार के तरफ से त्रिवार नमोस्तु। मैं आदिनाथ महाराज जी, आदिनाथ भगवान के काल में
जितने आदिनाथ भगवान की उम्र आयु और मृत्यु हुई थी उतने ही मनुष्यों की भी और अनेक मनुष्यों की भी आयु उम्र लंबाई ऐसी रहती थी क्या? हाँ, उस समय की औसत आयु 1 पूर्व कोटि और ऊंचाई 500 धनुष थी सब मनुष्यों की। हाँ, ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर और इसके बाद तैयार रहेंगे रेणु जैन दिल्ली। अपने दोनों हाथों को खुलिएगा, ऊंचाइयां दीजिएगा, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आनंद नहीं आया। समेशिका सिद्ध क्षेत्र की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु गुरु विद्वान सागर जी महाराज की। परम पूज्य युगल मुनिराज प्रमाण सागर जी अर्ध सागर जी महाराज की। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, कल्पवृक्ष अभिशाप का नाश करता है। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, कल्पवृक्ष अभिशाप का नाश करता है, और सिद्ध प्रभु की भक्ति पाप ताप और अभिशाप सबका एक साथ नाश कर दिया करती है। और ऐसा ही एक संयोग या ये कह ले कि आत्म स्नान का दिन, मन के पात्र को धोने का दिन, आत्मावलोकन और आत्म जागृति का दिन अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में हमारे और आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। महाराज जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था वंस मोर, एक बार और। बस मैं भी आपसे एक बार और निवेदन कर रहा हूं कि अपने सोई हुई चेतना को जगाने का एक जरिया, एक माध्यम आपके पास आ रहा है। अष्टानिका एक ऐसी पूजन जो चार प्रकार के पूजन में एक महत्वपूर्ण पूजन रखती है, चार प्रकार के पूजन में महत्वपूर्ण पूजन का एक अनुक्रम अष्टानिका पूजन के रूप में आचार्यों ने हमारे लिए दिया है। और उस अष्टानिका की पूजा में भी प्रभु सिद्धों की आराधना का अपूर्व अवसर, और वो भी कहां, सारे तीर्थ बार बार और संवेद शिखर जी एक बार। सारे तीर्थों में जाकर के कितने भी विधान कर लें, लेकिन समेत शिखर के तलहटी में बैठ करके जब एक बार अपने विधान के माध्यम से जीवन के संविधान को बनाने का मौका मिला है तो आप चूक ना जाना, क्योंकि पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, और डाक पके जब होए काग कंठ में रोग। कल एक फोन आया, बोले भैया जी हम अपना नाम कब तक लिखवा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कब तक नहीं, बस आज तक ही लिखवा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई नामों की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो आपसे क्या कहा, महाराज जी ने कहा एक बार और, तो मैं आपके बीच में आ गया कि एक बार और आपके भीतर को टटोल लो, आपके भीतर में दस्तक दे दो, और आपको एक मौका और दे दो जिसके माध्यम से आप इस वर्ष अष्टानिका के महिमा मंडित महनीय पर्व पर पूज्यपाद के श्री चरणों में बैठकर मंत्रानुष्ठान के साथ जो सिद्ध चक्र सर्व प्राचीन सिद्ध चक्र है, संस्कृत का अनुष्ठान है, और संस्कृत का अनुष्ठान नहीं मित्रों, हमारे भीतर की संस्कृति का और प्रकृति का अनुष्ठान है, उस प्रकृति के संस्कृति के अनुष्ठान को युगल मुनिराजों के साथ बैठ करके हमको करना है। मात्र कुछ जोड़े शेष हैं, और जो शेष है वो बहुत विशेष है। 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़े का नाम आप यहां तक दे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत गई थोड़ी रही, जिंदगी बहुत चली गई है, और कोविड में ना जाने क्या क्या खो दिया है हमने, और अब पाने का जब मौका मिला है तो पुरजोर कोशिश होना चाहिए कि हम वो पाले जो आज तक जीवन के किसी बसंत में हमने पाया नहीं। संत के सानिध्य में बैठ करके सम्मेश शिखर की तलहटी में बसंत को पाने का और संत के सानिध्य को पाने का मौका सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आपको मिल रहा है। मैं आपसे फिर एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सारे काम को छोड़ करके स्क्रीन पर चलने वाले नंबर को डायल करें और अभी तत्काल हमारे साथ संपर्क बनाने की कोशिश करें, ताकि हम और आप मिलकर के इस वर्ष सिद्ध चक्र विधान की महिमा मंडित महनीय अर्चना सर्व सिद्धि को देने वाले विधान के माध्यम से अपने जीवन का संविधान बना सकें। बोलिए समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की। अच्छा नहीं लगा। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। नमस्कार। आइएगा बंधु। हाँ, रेणु जैन दिल्ली तैयार रहेंगे, उसके पूर्व
हम यहाँ पर एक मंडल की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं और आप सबको मालूम है कि 5 लाख रुपए का एक मंडल है जिसमें 10 सदस्य आपके परिवार के खड़े हो सकते हैं। जगदीश प्रसाद शरद जी जैन दिल्ली जोरदार कत्तल ध्वनि से उनका सम्मान करें, अगर यहाँ पर हो तो आशीर्वाद ले लें। रेणु जैन अपना प्रश्न करें, उसके पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री पवन जैन सुनीता जैन लोहारिया परिवार इंदौर, अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। श्री पवन जैन सुनीता जैन लोहारिया परिवार इंदौर जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, जोरदार कत्तल ध्वनि से उनका सम्मान करें। रेणु जैन दिल्ली और आपके बाद तैयार रहेंगे नंदन जैन अमरपाटन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, इंसान नहीं बोलता उसका वक्त बोलता है, क्योंकि जब वक्त नहीं बोलता तो इंसान लाख बोलता रहे लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, कृपया करके समाधान कीजिए। इंसान नहीं बोलता उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त बोलता है, जब वक्त नहीं बोलता हाँ, तो इंसान लाख बोलता रहे लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। हाँ, इसलिए इस बात को समझो और वक्त के अनुसार चलने का संकल्प लो, इसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पवन जैन सुनीता जैन जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं, और अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं राजेंद्र जैन सम्यक जैन कोतमा, आपके बाद तैयार रहेंगे मुस्कान जैन बंडा। मुनिवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का एवं समस्त कोतमा एवं कोरबा समाज का नमोस्तु। मैराश्री मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हर प्रश्न के बाद मैराश्री मुझे बड़े और बुजुर्गों से जब कोई सलाह लेने जाता हूं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि ये आपकी उम्र है, ये उम्र के साथ आपको सीखना होगा, ये उम्र आपको सब कुछ समझा देगी सब कुछ सिखा देगी। तो मैराश्री में हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने कुछ क्वेश्चंस के कारण एक ऐसे स्टक हो जाते हैं कि अपने आप को बढ़ाने में असंभव फील कर पाते हैं, और जब हम बड़ों लोगों से पूछने जाते हैं तो उनका ये जवाब होता है कि आपको समय के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैराश्री ऐसा हम क्या करें, ये मेरा और मेरे समस्त युवा भाइयों बहनों का सवाल है मैराश्री की, हम समस्या के साथ बढ़ते जाएं। देखिए समय के साथ बढ़ना है लेकिन अपनी गति से बढ़ना है, आम का पेड़ एक दिन में नहीं उगता, वो धीरे धीरे ही बढ़ता है, इसलिए हमें चाहिए कि बुजुर्गों की सलाह को माने, हमारे अंदर उमंग है उनके अंदर अनुभव, तो वो उनके अनुभव का लाभ ले, और समय बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए कहना बिल्कुल सही है कि समय के साथ सब कुछ पता लग जाएगा, और अपने पिछले अनुभवों को पलट कर देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे समय से सीखा होगा, तो समय हमें सिखाता है। मुस्कान जैन वहीं से पूछ लो, वहीं से बंडा आगे तैयार रहेंगे राजेंद्र जी जैन घाटोल श्रोमणि संरक्षक गुणायतन जी। एक प्रश्न एक का ही नाम चलो। गुरु जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार और समस्त बंडा समाज की ओर से कोटि कोटि नमस्तु। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि जीवन में राइट डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे बढ़ाएं? फिर से बोलो। जीवन में राइट डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे बढ़ाएं? देखिए डिसीजन मेकिंग की पावर हमारे अंदर होती है लेकिन हमारे अंदर की नकारात्मकता हमें निर्णय नहीं लेने देती। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, जो लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या जिनका मन हमेशा दुविधा में भरा रहता है, वे अपने अतीत के सभी निर्णयों की समीक्षा करें, एक तालिका बनाएं और देखें कि अतीत में मैंने कितने बड़े निर्णय लिए, और उन लिस्ट को देख करके देखें इनमें से मेरे कितने निर्णय सही रहे कितने गलत रहे, तो आप पाएंगे 70% निर्णय सही है 30% गलत। इसका मतलब हम 70% सही निर्णय में सक्षम हैं, ये कॉन्फिडेंस अपने भीतर बिल्टअप कीजिए। 70% निर्णय हम सही ले सकते हैं, और जिसका 70% निर्णय सही होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, और 30% निर्णय अगर हमारे गलत भी हैं तो उस गलत निर्णय को भी सही साबित करने का जज्बात हमारे अंदर होना चाहिए, एक। फिर दूसरी बात, जिनके अंदर सही निर्णय लेने में बड़ी दुविधा है वे आंखें बंद करें और अपने गुरु को याद करें, प्रभु को याद करें, नवा नमोकार मंत्र जपे और जो आए उसको कर ले, भगवान का नाम लेकर के सब काम। राजेंद्र जैन गरौट श्रोमणि संरक्षक अनुपस्थित है। आगे नीरज जी जैन आ जाइए ऊपर आ जाएं। राजेंद्र जी जैन गरुड़ श्रोमणि संरक्षक गुणायतन, एक बार बंधु जोरदार कट्टर ध्वनि से आपके बाद तैयार रहेंगे नीरज जैन दिल्ली दृष्टि गुणायतन। बोलिए।
आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा में रात्रि भोजन त्याग व्रत व प्रतिमा लेने का प्रारंभिक अवस्था में कितना महत्व है? देखिए, रात्रि भोजन त्याग व्रत प्रतिमा आदि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये हमारी उपासना के अंग है, समझ गया? जो रात्रि भोजन त्याग दिया वो परमात्मा बन जाएगा, ऐसा भ्रम नहीं रखना। लेकिन जो परमात्मा बनता है वो रात्रि भोजन का त्यागी जरूर होता है। हम पापों को त्यागने के लिए, पापों से बचने के लिए ही ये सारे नियम लेते हैं। तो जितने भी हम नियम ले रहे हैं उनसे पाप से बचने की प्रेरणा अपने हृदय में जगाएं और उनके साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि रखें। जब मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपने मन को सही दिशा में समर्पित करता है, तब कहीं उसकी वास्तविक उन्नति शुरू होती है, तब वो आत्मा से परमात्मा बनता है। पहले आत्मा को तो जानो, और जिसके हृदय में आत्मज्ञान होगा उसका आचरण भी बदलता है, और आचरण बदलता है तो जीवन जरूर ऊंचा उठता है। एक छोटा सा प्रश्न और चलो पूछो। गुरुदेव, जिस भूभाग में हम रहते हैं इससे इतर जीवन खोजने में कई देश उपग्रहों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, क्या वे कभी विदेह क्षेत्र, पांच भरत, पांच राव क्षेत्रों के उपग्रह के माध्यम से खोज पाएंगे या चित्र ले पाएंगे वहां के? देखिए, उपग्रहों के माध्यम से जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही है। जहां तक विदेह क्षेत्र जाने की बात है, वो हमारे द्वारा गम में हम जा सकते हैं। ऋद्धिधारी मुनियों के आवागमन की बात तो कही गई, आचार्य कुंदकुंद के संदर्भ में भी कहा जाता है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने विदेह क्षेत्र की यात्रा की थी। तो विदेह क्षेत्र में जाने की संभावना है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए हम कह नहीं सकते। नमस्ते गुरुदेव। नीरज जैन, दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे। प्रमाणिक संघ, हाँ, नीरज जैन दिल्ली, विद्या प्रमाणिक संघ। नमस्ते महाराज जी। दीपक जैन दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जब हम सुबह अपने मंदिर की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में हम अभिषेक करने जाते हैं, मूर्ति को विराजमान करते हैं, जब अभिषेक करते हैं तो कुछ लोग मूर्ति को ऐसे टच करके और उसमें से गंदों तक लेके ऐसे छिड़कते हैं, और हम उनको कहते हैं कि गंदों तक ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसका क्या हल है महाराज जी, क्या वो है? ये सब भक्ति का अतिरेक है, इसका कोई हल नहीं। लोग संभलेंगे नहीं तो हल क्या होगा? अविवेक है, गंदोदक तो अलग से लेना चाहिए, और वैसे लेते वो छींटे भगवान पर भी पड़ जाते हैं। और कई जगह तो हमने देखा है लोग इस तरीके से गंदोदक लेकर भगवान को घिस दिए, लोगों की अंगूठियों के निशान भगवान के चरणों में दिख गए, भगवान घिस गए पर पाप नहीं घिस पाए, ऐसे के लोग क्या कहें। दीपक जैन दिल्ली, आपके बाद तैयार रहेंगे संजय जी विलाला, इंदौर। मेरा, मेरे संपूर्ण परिवार और श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली की ओर से गुरुदेव के चरणों में सादर नमन, शत वंदन। गुरुदेव, इस ऐतिहासिक चतुर्मास के दौरान हमें विद्या प्रमाणिक संघ को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, निःशुल्क भोजन चाला 4 महीने के लिए लगाने के लिए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और भविष्य में हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कभी भी ऐसी हो तो हमारी भावना उच्चतम रहे और हम सर्वे धर्म कार्यों में आगे रहें। गुरुदेव, यू आर यूनिक इन एवरी वे, यू आर यूनिक इन एवरी वे, आपने भावना योग के माध्यम से बहुत लोगों का उद्धार किया है। गुरुदेव, आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। आज की युवा पीढ़ी बहुत ही डिप्रेशन में आती जा रही है, उनको फेलियर पसंद नहीं है। 99% वाला भी ये चाह रहा है कि 99.2% क्यों नहीं आए, 99.2% वाला चाह रहा है कि मेरे 99.5% क्यों नहीं आए, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनमें धैर्य नहीं है आज की युवा पीढ़ी में, उनमें सहनशीलता नहीं है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। गुरुदेव, आपने इस भौतिक युग में, आधुनिक युग में एक प्रवचन के माध्यम से एक साइकेट्रिस्ट का काम किया है, जो आपके प्रवचन है ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिज्म और सकारात्मकता के ऊपर ही होते हैं। जब मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ तो ये सुनता हूँ कई बार कि मेरी स्टोरी, मेरे घर की स्टोरी पीछे चल रही है। तो गुरुदेव, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने
जो साइकेट्रिस्ट का काम किया है गुरुदेव, आपने एक शिक्षक से चिकित्सक बन गए, हमें कभी नहीं पता लगा, और आपने इस जग का काफी भला किया है। गुरुदेव मैं ये चाहूंगा कि जितने भी जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपको यहाँ पे गुनायतन में एक क्लास ऐसी लेनी चाहिए कि जो डिप्रेशन में आए हुए हैं सारे बच्चे हमारे टोटली युवा वर्ग आए हुए हैं, आजकल हम भी आ जाते हैं गुरुदेव छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन, तो आपके पास गुरु मंत्र बहुत रहते हैं, तो एक ऐसी क्लास महीने में होनी चाहिए कि उनकी इस समस्या का हल हो सके। देखिए सबसे पहले तो नीरज के दीपक के माध्यम से, नीरज भी खड़े हो जाओ कहाँ साथ, ये दोनों सगे भाई हैं, और इनके माध्यम से पूरे के पूरे विद्या प्रामाणिक संघ का आप लोग अभिनंदन कर दीजिए। ये लोग पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली और यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में इन लोगों की संलग्नता बहुत सराहनीय है, और यहाँ पर आप सबके भोजन की व्यवस्था इन लोगों ने खुद मांग करके ली है। अन्य स्थानों में तो लोगों को निवेदन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है आयोजकों को, पर ये पहला मौका है जब इन्होंने आयोजकों से रिक्वेस्ट किया है कि अवसर हमें दे, और इनके आगे की बात क्या कहूँ। यहाँ होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव जिसके स्वरूप का कोई और छोर नहीं है, उसके लिए अभी से आवेदन दे रखा है कि हमारे हाथ में होनी चाहिए। वाकई में पूरे के पूरे विद्या प्रमाणिक संघ का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय भी है, दूसरे लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो बात कही फेल्योर फियर, ये आम है, ये लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं संक्षेप में इस फियर से बचने के कुछ सूत्र अभी दे देता हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि महीने में एक दिन का ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, मेरा तो रोज होता है, मैं यही तो मोटिवेशन लोगों को देता हूँ, फिर भी आपने एक सुझाव रखा है तो बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ एक्सक्लूसिवली केवल यूथ्स के लिए बहुत जल्दी एक प्रोग्राम आप सबके बीच आने वाला है। अब वो प्रोग्राम का स्वरूप ऐसा निर्धारित होगा जो प्रत्यक्ष यहाँ आ पाएंगे वो आएंगे, घर बैठे भी लोग उसका लाभ उठा सकेंगे, ऐसा प्रयास होगा। सबसे बड़ी बात, फेल्योर का जो फियर है ये कैसे दूर भगाएं। व्यक्ति को एक बात अपने दिमाग में रखना चाहिए कि गिर करके ही चढ़ा जाता है, गिरने से कभी ना डरे। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरकर न उठना बुरी बात है। हम अपने अतीत को देखें, जब हमने चलना सीखा कितनी बार गिरे हमें आपको याद नहीं है, लेकिन किसी चलते हुए बच्चे को जिसने अभी अभी चलना सीखा उसको गिरते हुए अंदाज लगा सकते हैं कि ये बच्चा कितनी कितनी बार गिरा है, फिर उठकर खड़ा हुआ, न खड़ा हुआ अपितु चलना सीखा, और चलना ही नहीं दौड़ना भी सीख गया। अगर पहली बार गिरने के बाद उसने अपना मन तोड़ दिया होता कि मैं तो चल नहीं सकूंगा, कहीं गिर ना जाऊं, तो क्या आज वो चल पाता? तो अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखो, ऐसे कई मौके आए हैं जब हमने बड़ी बड़ी विफलताओं का सामना किया है, लेकिन फिर भी उसे पार करके हमने सफलता के शिखर को छुआ है। साइकिल चलाना सीखा होगा, ये तो होश में होता है। ऐसा कोई बंदा है जो कहे कि मैंने साइकिल चलानी सीखी और एक भी बार नहीं गिरा? बोलो। हर कोई जो साइकिल चलाता है एकाध बार गिरता ही है, गिरता है कि नहीं गिरता है? और हम भी हर साइकिल चलाने वाले को गिरता पड़ता देखते भी हैं, देखते हैं,
लेकिन साइकिल चलाने वाले को गिरता पड़ता देखने के बाद भी मालूम है कि साइकिल चलाने वाला गिर सकता है, फिर भी साइकिल चलाने के लिए उत्साहित क्यों होते हैं? क्यों होते हैं बोलो? केवल इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि गिरने के बाद ही तो सीखेंगे। बोलो, है ना? ये विश्वास ही तो तुम्हें साइकिल चलाने के लिए उत्साहित करता है कि गिरने के बाद ही सीखेंगे, गिरेंगे तभी सीखेंगे। तो बस जैसे हमने गिरने के बाद साइकिल चलाना सीखा है, वैसे ही गिरने और पिछड़ने के बाद जिंदगी की साइकिल चलाना भी सीख सकते हैं। ये विश्वास अपने अंदर देगा, आत्मविश्वास अपने हृदय में प्रगाढ़ होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं मन में नहीं पालनी चाहिए, और चरैवेति के सूत्र को साथ लेकर के चलना चाहिए, तो कभी डर हमारे मन में हावी नहीं होगा और हम अपने आप को बचा सकते हैं। अरे कहीं ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, हो जाने दो, ये तो होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चार बार होगा, बार बार नहीं होता। विश्वास रखो, विश्वास रखो। दिल्ली पर फतह करने के लिए मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया बोलो? कितनी बार? 17 बार। पहली बार आया, हार का मुख लेकर अपने घर लौटा, कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा उसे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, फिर से अपनी शक्ति बटोरी और लोगों से कहा एक बार और। फिर आया, सदल बल उसने आक्रमण किया, युद्ध लड़ा, हार गया, फिर वापस लौटा। सोच सकते हो कैसी विषम स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। फिर वो कहता एक बार और। तीसरी बार भी यही हुआ, फिर कहता एक बार और। अब तो उसके सैनिक और उनके परिवार के लोग भी कहने लगे, तुम तो मर रहे हो, हमको भी मरवा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? अरे घबराओ नहीं, एक बार और। और ऐसा कितनी बार हुआ? 16 बार हुआ, और 17वें बार में सीधे दिल्ली पर फतह कर लिया, एक बार और। तो कभी भी हारो पर हिम्मत मत हारो। कुछ गड़बड़ हो जाए, ये मन की शंका को पहले हटाओ, आत्मविश्वास जगाओ, और कदाचित आत्मविश्वास से लवरेज होने के बाद भी सफल ना हो सको, घबराओ नहीं, एक बार और। आज विफल हुआ हूं, कल सफल होऊंगा, एक बार और। बस इतनी सी तो सोच चाहिए, लोगों में बड़ा बदलाव आता है और जीवन में बड़ी उपलब्धियां घटित होती है। ऐसा कर सकते हैं। संजय जी बिलाला, इंदौर, दृष्टि गुणायतन, और आपके बाद अनुपस्थित है। हाँ नहीं, अगला आमंत्रित कर रहा हूं आईसी जैन साहब, परामर्शदाता पूर्वार्ड समाज और दृष्टि बाबन गजा। आपके बाद तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जबलपुर, यात्रा संयोजक पोरवार समाज संयोजक। मेरा परिवार, मेरे और मेरे परिवार को से बार बार नमस्तु। गुरुदेव, इंसान के नाम की पहचान श्री और श्रीमान से होती है, परंतु उनके व्यक्तित्व की पहचान उनकी जुबान से होती है। वाह। जुबान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे नाम का मान और हमारे व्यक्तित्व का शान दोनों बढ़ा दे। वाह। व्यक्ति की नाम की पहचान श्री और श्रीमान से होती है, और उसके व्यक्तित्व की पहचान उसके जबान से होती है,
जुबान में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नाम की शान और मान बना रहे। बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे बहुत संक्षेप में कहता हूँ, अपने जुबान पे कुछ मत करो, जवान की पहचान करके जवान की स्वभाव के अनुरूप काम करो। जवान है हमारी जीभ, जीभ जितनी लचीली है वाणी में भी उतना लोच रख लो, जीवन हमेशा ठीक बना रहेगा और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओर।